गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का आरोह का बुक का काव्य खंड का पहला पाठ कबीर पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के आसपास लहरदारा गांव में उत्तर प्रदेश में माना जाता है और उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक है, जिसमें साखी, सबद एवं रैमनी संकलित है और उनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर गांव में मानी जाती है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ व दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती रखते हैं। वह अपने आगे पीछे का कुछ नहीं कहते, वे स्पष्ट अपनी बात को कह देते हैं। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरम देकर। और वे इस बात का मतलब ये बता रहे हैं कि या तो सीधे सीधे कह देते हैं, नहीं तो वो उसके लिए तकरार भी कर लेते हैं। इसलिए कबीर को हजारी प्रशांत द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी वाणी के द्वारा ही प्रसिद्ध हुए थे। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां, मतलब अनेक विचार प्रचलित है। उन्होंने अपने विभिन्न कविताओं में खुद को काशी और जुना, काशी का जुना कहा। उन्होंने अपने आप को एक जुन्हा परिवार का माना गया है, जो काशी का रहने वाला है और ये जूते आदि बनाया करते थे इनके घर वाले। कबीर के विधिवत साफ साफ होने का प्रमाण नहीं है कि पूरा ज्ञात नहीं होता है कि कबीर दास जी ने अक्षर ज्ञान किया या पढ़ा पढ़े हुए थे। इसका विधिवत ज्ञान वे पूरा नहीं था। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इससे कहा गया उन्होंने उन्हें अपने कलम के द्वारा कागज पर कुछ भी शाही के द्वारा अंकित नहीं किया गया है, जैसे कबीर की पंक्तियों में इसका प्रमाण देती है। और उन्होंने देशाटन और सस्तक, देशाटन मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर वे जाते रहते थे और अधिकांश से वे सत्संग के द्वारा साधु संतों के साथ रहते थे और उसी से वे ज्ञान अर्जित करते थे। किताबी ज्ञान के स्थान पर, मतलब किताबी ज्ञान के अलावा ये आंखों पर देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता देते थे। ये पढ़कर किसी चीज के पर आधारित नहीं होते थे, उसके ज्ञान को नहीं बताते थे, उसके महत्व को नहीं बताते, जब तक ये खुद उसको देखकर उसका साक्षात अनुभव नहीं कर लेते थे। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। जो भी उन्होंने कृतियां लिखी है, रचनाएं लिखी है, उन्होंने उसके अंतर्गत उन्होंने नाथों और सिद्धों और सूफी संतों के बारे में ही उनका वर्णन मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे और जाति भेदभाव और वर्ण संप्रदाय के स्थान पर वे प्रेम और सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। अब इसके अंतर्गत बताया गया है वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे कि हमारे कर्मों के आधार पर उन्होंने बताया गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये उनकी धारणा गलत थी, उन्होंने इस बात को वे गलत मानते थे। तथा जाति भेदभाव, जो ऊंच नीच हुआ छूत इसको जो मानते थे, वे इसके घोर विरोधी जाते थे। वह अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत उन्होंने इस बात को स्थान दिया है कि वे प्रेम और सद्भाव और समानता का समर्थन करते। वे सभी में एक दूसरे में भाईचारे की भावना रखते थे, सभी को समान रखते थे और सद्भावना का लोगों में विचार की जागृति पैदा करते थे। अब ये है हमारे कबीर दास जी का पद है, उसके माध्यम से, पहले पद के माध्यम से वो क्या बताना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि का कण कण में देखा है कि उन्होंने ये बताया गया है कि ईश्वर एक है और वे सभी जगह में विद्यमान है और वो कण कण में, मतलब प्रत्येक जगह प्रत्येक वस्तु में ईश्वर समाया हुआ है और ज्योति रूप में स्वीकारा गया है और जो प्रकाश है उसके अंदर ही उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया गया है। तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई दे रही है, जो ये संसार है, सजीव संसार है, इसके अंदर उस ईश्वर का निवास दिखाई दे रहा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास बताया गया। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति ली है और इसी उदाहरण के द्वारा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसके अंतर्गत बताया गया। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबर पर प्रहार किया है, जो बाहरी ढकोसिये है, रीति रिवाज है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, जो छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति आदि
साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं। अपने मन के विचारों को छोड़कर वे संसार के लोगों के झूठे वादों में या बातों में फंस जाते हैं, उनसे वे रिश्ता बना लेते हैं, संसार से वे बेखबर रहते हैं और फिर दूसरों संसार से रिश्ता बनाकर वे अपने आप से और संसार से पूरी बेखबर हो जाते हैं। और दोनों पद में जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड सबसे ये पद लिए गए हैं। अब है कबीरदास जी का पद। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तीन है को दोजक जिन ना ही पहचाना। तो इस फन के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो ईश्वर को एक एक प्रत्येक कण में माना है कि ईश्वर एक है और वह कण कण में व्याप्त है। दोई कहे तीन ही को दोजक जिन ना ही पहचाना, और जिन्होंने भी इनको दो माना है कि ईश्वर दो है, मतलब हिंदू और मुसलमान के आधार पर श्री राम और रहीम दो है, तो वो इस बात को नहीं पहचान रहे हैं। एक और वो नरक के भागीदार माना गया उनके आधार पर। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश है। तो हम सब मतलब एक हवा है, एक पानी सबको मिल रहा है, एक ही प्रकाश सबको मिल रहा है, तो फिर ईश्वर दो कैसे हो सकते हैं। एक खाके बड़े बड़े सब एक भांडे के कोरा साना, कि एक ही खाके बड़े मतलब एक सांचे जैसे है कि ईश्वर ने एक ही सांचे से सभी को बनाया है, और एक भांडे मतलब बर्तन, कि एक ही जैसे मिट्टी थी, एक मिट्टी से उन्होंने अलग अलग मनुष्य के रूप बना दिए गए हैं। एक है कोरा सना और सभी को एक ही समान बताया गया है, कि मतलब मिट्टी एक थी और एक ही साजा था, उसने उन्हें अनेक प्रकार के बना दिए हैं। जैसे कि स्टील एक होती है और उसे अलग 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 प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे भी ईश्वर ने मिट्टी तो एक थी लेकिन उसे विभिन्न प्रकार के प्राणियों का विकास किया है या निर्माण किया है। जैसे बाडी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, और उसी प्रकार का वह है बाढ़ी मतलब बढ़ई, बढ़ई सुतार को कहा गया है, जो खाती का काम करता है उसे कहा गया है। वह आग लकड़ी को तो काट सकता है, बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन वह आग को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार कहा गया है कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप अन्वय सोई, कि ईश्वर सभी रूपों के अंदर सब घटे अंतरे तू ही व्यापक, कि सभी व्यक्ति के सभी प्राणी के घट के अंदर ईश्वर एक ही ईश्वर का निवास है, मतलब ईश्वर एक ही ईश्वर का व्यापक स्वरूप है। धरे स्वरूप सोई, और वह अपने अलग अलग स्वरूप रखा हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्वाना, अब इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि माया मतलब धन, धन को देकर या धन को पाकर लोगों में क्या होता है, अहंकार जाग जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग धन को पाकर अहंकार की भावना उनके अंदर आ जाती है, तो ये उनका करना बहुत गलत है, उनका गर्व करना या घमंड करना गलत है। निर्भय भय माया कुछ नहीं बापे कहे कमीर दीवाना, और जिन्होंने ईश्वर की शक्ति को समझ लिया है तो वह संसार में निर्भय होकर अपना जीवन यापन करता है, और वह किसी से डरता नहीं और एक निर्भय व्यक्ति के तरह वह दीवाने की होकर अपने जीवन का यापन करता है। तो कबीरदास जी के इस पद के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि ईश्वर एक है और वह सभी जगह व्याप्त है। अब ये पद आपके पूरा हो चुका है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन ने उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कि उन्होंने पूछा था कि बताया और पूछा भी है कि ईश्वर एक है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो सबसे पहले यही थी, कबीर ने ईश्वर को एक माना है और वह सब जगह व्याप्त है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए। सबसे पहला तर्क आता है, संसार में सब जगह एक पवन एक ही जल है। उन्होंने पहला तर्क ये दिया कि पूरे संसार में एक ही पवन है और सभी को एक ही जल प्राप्त होता है। दूसरा आता है, सभी में एक ही ज्योति समाई है, कि जो भी प्रकाश है वो सभी को एक ही
तरह का मिल रहा है और एक ही मिट्टी के बने बर्तन है। मतलब कबीर साहब जी ने मानव को एक बर्तन के समान बताया गया है, ईश्वर को एक कुमार के समान बताया गया है। तो कुमार जिस तरह से एक मिट्टी से विभिन्न तरह के बर्तन बनाता है, उसी तरह से जो हमारे मानव शरीर का निर्माण हुआ है वो भी एक मिट्टी है और उसमें विभिन्न तरह के चेहरे ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। एक ही कुम्हार मिट्टी के को सनाता है और जो सनाता मतलब इसमें उन्होंने बताया कुमार, ईश्वर को कुमार बताया गया है कि मानव शरीर को बनाने वाला ईश्वर है और वो ही मानव शरीर का निर्माण करता है और उसके बाद पुनः वापस मिट्टी को उसी के अंदर लीन हो जाती है। सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो और सभी व्यक्तियों के अंदर ईश्वर एक ही व्याप्त है, चाहे प्राणी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन ईश्वर उनके एक ही बताया गया है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिला हुआ है, कौन से पांच तत्व है जिससे कि मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि मानव शरीर का निर्माण धरती से, पानी से, वायु से, अग्नि से व आकाश, यही हमारे क्या है पांच तत्व है और इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण होता है और मृत्यु के बाद में तत्व अलग अलग हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ये सभी तत्व अपने अपने स्थान पर विसर्जित हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, जैसे बांडी काष्ट ही काटे, अग्नि ने काटे कोई, संभटी अंतरी तू ही व्यापन धरे सरूपे सोई। अब इस पंक्ति के आधार पर, इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि ईश्वर का क्या स्वरूप है, कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर ने ईश्वर के स्वरूप को पूछा गया। तो इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है कि कबीर ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं, कि जो भी बात बताते हैं उदाहरण देकर बताते हैं। उसमें कौन कौन से उदाहरण देते हैं, वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई मतलब लकड़ी का कार्य करने वाला लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को वह नहीं काट सकता, सिर्फ वो लकड़ी को काट सकता है और लकड़ी के अंदर जो समाई हुई अग्नि समाई हुई है उसको नहीं काट सकता। तो पहला उदाहरण तो ये देते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर निवास करता है और शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो जाती है, कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नश्वर होता है लेकिन उसकी आत्मा नश्वर नहीं होती है, वो अमर अजर बताया गया है। और एक उदाहरण उन्होंने ये दिया है, आगे वे कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी है, कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी है परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है, कि सभी अलग अलग प्रकार के प्राणी है लेकिन सभी के अंतर्गत हृदय के अंदर एक ईश्वर निवास करता है, वह एक ही। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक है तथा अजर है और अमर है और वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है, कि ईश्वर एक है और वह ना तो जन्मा है और ना ही उसकी मृत्यु हुई है, वह अजर अमर है और वह सभी प्राणियों के हृदय में अपना निवास स्थान बना के रखता है। प्रश्न नंबर चार है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो दीवाना शब्द का अर्थ होता है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर परमात्मा में लीन है, क्योंकि जो ये संसार है इसके अंदर मोह माया तेरा मेरा जो कुछ है इनसे क्या कबीरदास जी अपने आप को दूर रखते हैं और इसलिए जो संसार से दूर है तो संसार के व्यक्ति उसे पागल मानते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने आप को स्वयं को भी पागल माना है क्योंकि वह ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः लीन है। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों को संसार के लोगों से समझ से परे है कि लोग उनको समझ नहीं पाए कि वह ऐसा क्यों करते हैं, अतः वह स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए जो संसार के लोगों के द्वारा उनको नहीं समझ पाना ही कबीरदास ने अपने आप को एक पागल घोषित किया है। फिर आता क्वेश्चन नंबर पांचवा, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार ब्यौरा गया है? ब्यौरा गया है मतलब पगला गया है। पगला गया का मतलब पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस संसार के अंदर व्यक्ति का माना जाता है, उसको समझा जाता है। तो ये कहते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं, ये संसार ब्यौरा गया है क्योंकि व्यक्ति जब सच बोलता है तो उसे मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं होता है।
इसके अंदर क्या बताया गया कि अगर व्यक्ति सच बोलना चाहता है तो लोग उसे उस बात को झूठा समझते हैं, उसको मारने को तोड़ते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उस बात को क्या कर रहे हैं, वो सच मान लेते हैं। कभी दार्जी तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा टोपी पहनना माला पहनना तिलक ध्यान आदि लगाना मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं कि जो भी पूजा उपासना करते हैं और टोपी पहनते हैं तिलक लगाते हैं माला पहनते हैं भगवान के नाम का तो उनको सबको वे गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है क्योंकि सच कहने पर लोगों को गलत लगता है, गलत कहने पर लोग उसको सच मान लेते हैं, इसीलिए कबीरदास जी ने संसार को ब्यौरा कहा गया है। हमारे इस पाठ के ये प्रश्न उत्तर कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर मीरा के पद पढ़ेंगे।